हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्मॉल बोर पाइप फिटिंग्स डायमेंशन चार्ट, जो मेरे वेबसाइट पे आपको बिल्कुल फ्री डाउनलोडिंग मिलेगा, डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और ये कैसे देखना है और इसको कैसे साइज चेक करना है इस चार्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कैसे डाउनलोडिंग करना है वो भी मैं बता दूंगा। और इस तरीका का जो फिटिंग्स होता है उसका साइज है इस चार्ट में जो लिखा हुआ है, 3000 क्लास और 6000 क्लास दो साइज में मैं बनाया हूँ, और थ्रेडेड और सॉकेट दोनों है। इस तरीका से आप देख सकते हैं, ये जो है क्लास 3000 सॉकेट वाले में है, और ये भी जो है क्लास 6000 सॉकेट वाले में है, और यहाँ पे थ्रेडेड रहेगा 300 और 600 दोनों आएगा इस तरीका से। जो ये पेपर जो है, ये डायमेंशन चार्ट का, ये A4 साइज में है, जो जेरोक्स में से जो पेपर निकलता है, आप जो आधार कार्ड वगैरह जो जेरोक्स कराते हैं तो उसमें जो A4 साइज जो पेपर निकलता है उस साइज का ये जो पेपर रहेगा। ये छोटा साइज में नहीं है, बड़ा साइज में मैं बना दिया हूँ, इसमें फोटो के साथ बनाया हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा आसान हो इसे देखने में। आप इसे रख सकते हैं अपने पास, लेकिन चार पेपर रहेगा इसमें अलग अलग। तो इसे डाउनलोडिंग कहाँ से करना है और इसे कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ अपने वेबसाइट पर आके। तो फ्रेंड, इस तरीका से आप मेरे वेबसाइट पे आएंगे, और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार सकते हैं fabricatorguide.com। तो इसमें आएंगे, इस तरीका से ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं, इस तरीका से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साइज वगैरह। अगर आप डाउनलोडिंग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैं अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, और ये PDF में डाल दिया हूँ, यहाँ से भी आप साइज ये सबका देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दोनों ऊपर वाला जो है ये सॉकेट का है, और ये जो दोनों पेपर जो है नीचे वाला ये दोनों थ्रेडेड का है। यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेडेड लिखा हुआ है, ऊपर वाले में सॉकेट लिखा हुआ था। और इसे कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये नीचे बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉकेट वेल्ड फिटिंग्स डायमेंशन इन PDF डाउनलोडिंग 3000 क्लास और 6000 क्लास दोनों का ये बटन है डाउनलोडिंग का। और नीचे आएंगे थ्रेडेड पाइप फिटिंग्स डायमेंशन इन PDF चार्ट डाउनलोडिंग लिंक्स, यहाँ पे दिया हुआ है 3000 क्लास और 6000 क्लास दोनों का ये बटन है, यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इसमें कैसे देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉकेट वाला पाइप, जैसे आप देखते हैं कि उसमें पाइप अंदर घुसता है, ये रेड वाला जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें पाइप जो है अंदर घुसता है इस तरीके से, और यहाँ पे 2 mm गैप रखा जाता है 1.5 mm फिटअप करते समय। तो यहाँ पे जो लाइन दिया गया है, यहाँ पे अंदर तक का जो अंदर से लेकर के और इस एल्बो का सेंटर तक जो डायमेंशन होता है उसका C मैंने लिखा है, और ये बाहर से यहाँ से मतलब यहाँ बाहर से और यहाँ तक का कितना डायमेंशन रहेगा वो उसके लिए L लिखा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर जो फिटिंग करने के लिए जो माइनस किया जाता है उसमें मैंने C लिखा है, और जो बाहर का जो डायमेंशन रहेगा सेंटर से बाहर तक का डायमेंशन वो L है, जो ये 45 डिग्री एल्बो है, और ये जो है क्रॉस T है, जो चारों साइड इस तरीका से सॉकेट फिटिंग्स रहता है तो इसमें चारों साइड से पाइप ढुकता है। तो ये सब जो रहता है पानी का लाइन वगैरह के लिए रहता है, प्लांट में या घर के अंदर भी रहता है इस तरीका से थ्रेडेड में या सॉकेट में। तो ये जो है सॉकेट वाला है, और ये T का है जो 90 डिग्री T, इस तरीका से तीनों साइड का एक ही साइज है, और इसमें पाइप इस तरीका से घुसता है तो कितना अंदर से लेकर के और इस सेंटर तक का डायमेंशन कितना रहता है तो वो यहाँ पे C लिखा हुआ है, और इसका बाहर से लेकर के सेंटर तक का ये सब जो L जो लिखा हुआ है वो सब डायमेंशन आप देख सकते हैं कि कहाँ का ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो थ्रेड वाले का है वैसा ही सेम ये इसमें भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेड जो बनाया गया है, यहाँ थ्रेडेड पाइप है, यानी कि गुना से जो कस गुना वाला पाइप जो रहता है जिसको हम टाइट करके लगाते हैं पानी का लाइन वगैरह के लिए, उसके लिए है ये। तो उसमें भी आप कितना माइनस करेंगे, कितना पाइप को कटिंग छोटा करेंगे, उसका ये डायमेंशन दिया गया है। इसीलिए मान लीजिए कि आपको एक एल्बो लगाना है तो उसमें हम कितना माइनस करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक एल्बो फिट हो जाए, तो उसी का ये डायमेंशन। तो सी का जो डायमेंशन, अब मान लीजिए कि हमको यहाँ पर देखना है कि 1 inch पाइप का कितना एल्बो सेंटर होता है इस तरीका का थ्रेडेड फिटिंग्स का, तो हम इसमें देखेंगे कितने क्लास का है। अगर मान लीजिए 3000 क्लास का है और 1 inch का हमको देखना है, तो 1 inch का आप देख सकते हैं सी और एल, यानी कि ये जो मैं दिया हूँ यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो का है, और यहाँ पे ये दोनों लाइन में सी और एल 45 डिग्री एल्बो का है, और यहाँ पे क्रॉस टी वाले का है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस टी है उसका इस लाइन में डायमेंशन है, और ये वाला जो टी है इस तरीका का उसका इस लाइन में डायमेंशन है, और जो ये एल्बो है 90 डिग्री का उसका ये दोनों लाइन में
डायमेंशन पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सी जो लिखा हुआ है 300 क्लास। अब मैं ये जो है थ्रेडेड वाले में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्रेडेड का है और सी है। सी कितना डायमेंशन आएगा एल्बो सेंटर का, 1 इंच का, 3000 क्लास का डायमेंशन कितना आएगा 1 इंच का, देख सकते हैं कि 29 mm और 44 mm, यानी कि यहाँ पे जो सी है वो 29 mm रहेगा, 29 mm, और ये जो बाहर जो एल वाला जो डायमेंशन रहेगा 44 mm, यानी कि 44 mm इस सेंटर से और ये बाहर तक 44 mm रहेगा, 44 mm, और इस सेंटर से अंदर का जो पाइप जहाँ तक घुसता है वहाँ का एल्बो सेंटर जो है वो 29 mm दिया हुआ है, 1 इंची 3000 क्लास का। वैसे ही आप 6000 क्लास में अगर आप देखेंगे कि 1 इंच पाइप का कितना है एल्बो सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं सी जो लिखा हुआ है 90 डिग्री एल्बो, तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 mm और 51 mm, यानी कि 36 mm और 51 mm सी और एल डायमेंशन रहेगा। सी और एल यहाँ पे रहेगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 51, यहाँ का डायमेंशन 51 mm रहेगा। तो ये हो गया 6000 क्लास का। इसी तरीका से आप देखेंगे सी और एल डायमेंशन कहाँ का दिखा रहा है और कितने क्लास का दिखा रहा है। तो ये जो है आपको चैट जो आप डाउनलोडिंग करेंगे तो इस तरीका का आपको मिलेगा, इस तरीका से रहेगा, फोटो के साथ रहेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल और सी दोनों लिखा हुआ है और यहाँ भी एल एल और सी दोनों लिखा हुआ, और ये लाइन से डायमेंशन लिखा हुआ है और बगल में ये साइज लिखा हुआ है। आप इसमें 1/8 इंच से लेकर के 4 इंच पाइप का आप डायमेंशन देख सकते हैं, 4 इंच तक का पाइप का डायमेंशन देख सकते हैं इस तरीका से, जिसमें 45 डिग्री का भी देख सकते हैं एल्बो का, इस तरीका का एल्बो का जो सेंटर कितना माइनस होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, और इस तरीका का क्रॉस टी का डायमेंशन, और इस तरीका का 90 डिग्री का जो टी होता है उस तरीका का भी यहाँ पे डायमेंशन देख सकते हैं। सी और एल मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि सी और एल डायमेंशन कहाँ का इसमें शो कर रहा है। आप इसमें ध्यान देंगे यहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन कहाँ का है। तो इस तरीका से आप चारों को डाउनलोडिंग कर सकते हैं मेरे वेबसाइट पर जाके, वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो ये हमसे कुछ लोग कमेंट करके बोले थे कि हमको थ्रेडेड का साइज चाहिए, सॉकेट वाले का साइज चार्ट चाहिए, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना ही दिया। तो वैसे ही आप कमेंट करिए जो भी चाहिए आपको पीडीएफ चार्ट वगैरह में, मैं बना कर दे दूँगा, आगे भी देते रहूँगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। इस तरीका से मैं आपको एक डाउनलोडिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये डाउनलोडिंग पे क्लिक किया और ये देखिए डाउनलोडिंग होने के लिए शुरू हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी शो होगा, इस तरीका से आपको पेपर दिखा देगा। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ पे बटन दे रहा है, अगर आप कंप्यूटर से लोड कर रहे हैं तो इस तरीका से दिखाई देगा, और मोबाइल से करेंगे तो आपसे ईमेल आईडी सबसे पहले पूछेगा और आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो ड्राइव में जाकर के सेव हो जाएगा और वहाँ से फिर अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इस तरीका से आपको डाउनलोडिंग हो जाएगा पेपर। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा, उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।